काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो बॉडी के मोशन की स्टडी करना हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स या काइनेटिक्स भी वर्ड यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हम उसका उसके मोशन को जैसे जो भी स्टडी करेंगे मोशन के बारे में, इसे हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। तो मोशन क्या है? सबसे पहले हम ये समझे कि मोशन क्या है। मोशन क्या है समझ लीजिए, ध्यान से आप समझिए मोशन क्या है। मोशन एक ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। अब इस रिलेटिव टर्म का क्या मतलब हुआ, देखना जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने? पोल सर, बिजली का खंभा। बिजली का खंभा, बिजली का खंभा, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हुआ था इस खंभे के नीचे, खंभे के पास, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त आया पीछे चलता हुआ, ठीक है, यहाँ मेरे पास कार खड़ा हुआ। और भाई सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जरा जरा से यहीं जाना, तुलाराम जी के तक जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आना, मम्मी ने चीनी वीनी मंगाई, दाल चावल वाल, ठीक है भाई चल जा जल्दी से लेकर, कुछ बात है। तो अब ये क्या हुआ, ये जैसे ये चला, मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखना शुरू कर दिया। आप सब जानते हैं आपके अपने मोबाइल में होती है स्टॉप वॉच, होती स्टॉप वॉच, देखा किसी ने स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच ऑन करती हुई जीरो से स्टार्ट होती है और फिर जब तक आप उसे ऑन रखेंगे टाइम उसमें चलता रहेगा, ठीक। तो मैंने ही देखा कि मेरी स्टॉप वॉच में जब टाइम जीरो था तो मेरी पोजीशन खंबे से जीरो थी, मतलब मैं खंबे से सट के खड़ा हुआ था, मेरी खंबे से डिस्टेंस थी जीरो, ठीक है। फ्रेंड्स पोजीशन जीरो, क्योंकि जैसे ये चला मुझसे बात करके तब मैंने स्टॉपवॉच ऑन कर ली। फिर मैंने देखा कि जब मेरे स्टॉपवॉच में टाइम हुआ 5 सेकंड का तो मेरी तो खंबे से डिस्टेंस अब भी वही की वही है, मैं तो वही का वही खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन अब भी जीरो है। लेकिन मैंने देखा कि ये पाँच सेकंड जैसे ही पूरे हुए मेरे स्टॉप वॉच में, ये बंदा मुझसे 2 मीटर दूर चला गया, खंबे से 2 मीटर दूर। फिर देखा मैंने जब 10 सेकंड हुए तो ये 4 मीटर दूर पहुंच गया खंबे से। पोजीशन फ्रेंड की पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू बिजली का खंभा, बिजली के खंभे के रेस्पेक्ट में। जब देखा मैंने 15 सेकंड हुए मेरे पास तो ये 6 मीटर दूर पहुंच चुका था। जब 20 सेकंड हुए तो मेरी पोजीशन वही की वही लेकिन ये 8 मीटर जा चुका था, ठीक है। फिर जब 25 सेकंड हुए तो मेरी पोजीशन अब भी वही है, 10 मीटर जा चुका था। अब ध्यान से देखिए कि टाइम के साथ साथ खंबे के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन नहीं बदल रही, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मेरी खंबे के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रही। मेरी खंबे से जो पोजीशन थी पहले ही 0 सेकंड पर, वही 5 सेकंड पर, वही 10 सेकंड पर, वही 15 सेकंड पर, 20 सेकंड पर। तो हम इसमें, मैं अपने लिए कहूँगा
क्या कहूंगा, नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, विद रेस्पेक्ट टू खंबा, पोल, पोल के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, और मैं अपने दोस्त के पोजीशन के लिए कहूँ क्या कहूंगा, देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन पोजीशन किसके साथ साथ, विद टाइम, टाइम के साथ साथ, विद रेस्पेक्ट टू पोल, इलेक्ट्रिक पोल के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ पोल के रेस्पेक्ट में, जबकि मेरे फ्रेंड की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है पोल के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी पोजीशन बदल रही है। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पोल, पोल के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में नहीं हूं, क्योंकि टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, और मैं अपने फ्रेंड के लिए का क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ही इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पोल, पोल के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, पोल के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, मैं मोशन में नहीं हूँ इस पोल के रेस्पेक्ट में, क्यों नहीं हूँ मैं पोल मोशन में से पोल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि मेरे फ्रेंड की पोजीशन में लगातार चेंज होता चला जा रहा है टाइम के साथ साथ, किसके रेस्पेक्ट में, इस पोल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने आपको कहानी का अधूरा हिस्सा बताया, अधूरी कहानी बताई मैंने आपको, रीजन कि ये एक अकेला नहीं था, एक और भी था, दो दोस्त थे मेरे, दोनों जा रहे थे, दोनों साइड बाय साइड जा रहे थे, हाथों में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के, तो दूसरे की भी पोजीशन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी टाइम के साथ साथ, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही मोशन में है इस खंबे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तो खंबे के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ दोनों की पोजीशन बदल गई। लेकिन जरा देखना तो सही, पहले यहाँ जब मुझसे मिले तो गले में हाथ डाल रखे थे, जब मुझसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचे तब भी गले में हाथ डाल रखा है, जब मुझसे 5 मीटर 4 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचे तब भी गले में हाथ डाल रखा है, जब मुझसे 6 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचे तब भी एक दूसरे के बाहों, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले जो डिस्टेंस थी फिर 2 सेकंड बाद भी, 5 सेकंड बाद भी वही डिस्टेंस है, 10 सेकंड बाद भी वही डिस्टेंस है, और 15 सेकंड 20 सेकंड बाद भी वही डिस्टेंस है, वहीं के में गले में हाथ डाल के जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें कौन सा वाला मेरा फ्रेंड, क्या आपको इसमें कलर पता चल रहा है कि मैंने एक फ्रेंड बनाया है रेड से और एक फ्रेंड बनाया है ग्रीन से, क्या पता चल रहा है आपको यस डिफरेंस सर, ये कलर्स का? यस सर, यस यस सर, सर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि रेड फ्रेंड हैज नो मोशन, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कौन सा, ग्रीन फ्रेंड, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्या, ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड।
जबकि दोनों ही बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पोल, पोल के रेस्पेक्ट में दोनों ही मोशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि पोल के हिसाब से तो दोनों की पोजीशन बदलती जा रही है ना, पोल के रेस्पेक्ट में दोनों की पोजीशन बदलती जा रही है टाइम के साथ साथ, जबकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन नहीं बदल रही टाइम के साथ साथ। टाइम जीरो पर भी जो पोजीशन थी उतना ही डिस्टेंस था दोनों के बीच में, 5 सेकंड में भी वही डिस्टेंस दोनों के बीच में, 10 सेकंड में भी वही डिस्टेंस दोनों के बीच में, 15 सेकंड में भी वही डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जबकि पोल के रेस्पेक्ट में दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। तो दोनों दोनों के दोनों मोशन में है, बोथ आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पोल, बट रेड फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन फ्रेंड, ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड, एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे इनका कोई भी मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि मोशन है क्या? मैंने आपको आंसर दे दिया इसका, मोशन है क्या? कोई बताने की कोशिश करो जरा। सर, किसी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, कोई और बताने की विद कोशिश। रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ओके ओके ओके, कुछ हद तक सही है, थोड़ा सा और, कोई और करो, कोई और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कोई बताए। कुछ हद तक आपने सही बताया, तो सर, मोशन क्या है बताना चाहोगे? दीपेश बताओ। यस सर, सर जो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर बॉडी। हाँ, अब आपने बात पकड़ी है, अब दीपेश जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट नहीं, विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट मैं बोलूंगा। यहाँ जो ये खंबा 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 हम ले रहे हैं, जो हम खंबा कह रहे हैं, खंबा, ये जो हमारा खंबा है ना, खंबा, इस खंबे को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? इस खंबे को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, समझ रहे बात? तो अब क्या क्या बनी कुल मिलाकर के? द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन ऑफ बॉडी। यहां अगर मैं कहूं कि रेड फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन फ्रेंड, तो यहां मैंने ग्रीन फ्रेंड को ले लिया है रेफरेंस पॉइंट, और जिसका मोशन मुझे ऑब्जर्व करना है वो मेरा कौन है? रेड वाला फ्रेंड। अगर मैं कहता हूं ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड, तो मैंने रेड फ्रेंड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, और ग्रीन फ्रेंड मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट का मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोशन फाइंड करना है। तो मोशन हर बार, कभी ना हर बार, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। यहां मैंने रेफरेंस पॉइंट तीनों के लिए बनाया, क्या? खंबा। तीनों के लिए जब खंबा मैंने बनाया रेफरेंस पॉइंट, तो पता ये लगा कि मैं तो मोशन में नहीं हूं, लेकिन मेरे रेड फ्रेंड और ग्रीन फ्रेंड दोनों के दोनों ही मोशन में है। लेकिन जब मैंने रेड फ्रेंड को रेफरेंस पॉइंट बनाया ग्रीन फ्रेंड के लिए, तो फिर ये ग्रीन फ्रेंड रेड फ्रेंड के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं, पूछ रहा हूं आपसे, जिसका जवाब अभी अभी आपको मैंने दे दिया, ठीक है? मेरे बारे में आप क्या कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड? अगर मैं रेड फ्रेंड को रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरे बारे में आप क्या कहेंगे? ट्राई कीजिए, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो। अगर मैं अपनी इस रेड फ्रेंड को ले लेता हूं एज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मैं रेड फ्रेंड को ले लेता हूं, देखो
ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड, मैंने यहाँ रेड फ्रेंड को ले लिया रेफरेंस पॉइंट, तो पता ये लगा ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन, क्यों? क्योंकि ग्रीन फ्रेंड की रेड फ्रेंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रही, ग्रीन वाले फ्रेंड की रेड वाले फ्रेंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रही टाइम के साथ साथ, तो हम क्या कहेंगे, ग्रीन फ्रेंड हैज नो मोशन विद रेस्पेक्ट टू रेड फ्रेंड। तो अब रेड फ्रेंड के रेस्पेक्ट में मेरे बारे में आप क्या कहोगे? अगर मैं इस रेड फ्रेंड को अपने रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, तो देखो ध्यान से, मेरे तो पोजीशन बदल रही है इस रेड फ्रेंड के रेस्पेक्ट में, तो मैं भी मोशन में हूँ, मैं तो स्टेशनरी हूँ, मेरे मोशन नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, नहीं है खंबे के रेस्पेक्ट में नहीं है मेरा मोशन, क्योंकि खंबे और मेरे मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा खंबे के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस रेड वाले फ्रेंड के रेस्पेक्ट में तो मेरा चेंज आ रहा है पोजीशन का, है ना। तो एक्चुअली जब हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट इस खंबे को, तो मैं मोशन में नहीं हूँ, लेकिन जब हम कहें मैं अपने रेड वाले फ्रेंड को ले लूँ रेफरेंस पॉइंट, तो मैं भी मोशन में हूँ। ऐसा नहीं है कि रेड वाले फ्रेंड चल रहा है इसलिए रेड वाले फ्रेंड को कहा जाएगा मोशन में, ना, रेड वाला फ्रेंड भले ही चल रहा हो लेकिन रेड वाले फ्रेंड के साथ साथ मेरी पोजीशन तो बदल रही है, इसलिए मैं भी मोशन में हूँ रेड फ्रेंड के रेस्पेक्ट में, भले ही मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, मैं तो रेस्पेक्ट खंबे के रेस्पेक्ट में ही तो खड़ा हूँ, लेकिन इस रेड वाले फ्रेंड के रेस्पेक्ट में तो मैं इससे दूरी दूर दूर और ज्यादा दूर और ज्यादा दूर होते जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो फिर मैं मोशन में हूँ। एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेफरेंस हमारा फिक्स्ड होता है, एक रेफरेंस हमारा खुद मोशन में है, समझ रहे हो, ये रेफरेंस पॉइंट खुद मोशन में है। तो हम दो तरह के रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, कभी रेफरेंस पॉइंट हमें फिक्स लेना होता है, अक्सर जो हम बोलते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है अर्थ। जैसे कि आप अपनी बाइक पर जा रहे हो और बाइक की आपने स्पीड देखी 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रही है आपकी स्पीड, आपके जो बाइक का मीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखा रहा है, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ आपका जो रेफरेंस है रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, अर्थ है, हम ये कह लेते हैं कि अर्थ रुकी हुई, जबकि अर्थ रुकी हुई नहीं है, अर्थ भी तो चल रही है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में आपका मोशन है 80 किलोमीटर पर आवर। रेफरेंस पॉइंट किसे ले लिया हमने, अर्थ को ले लिया हमने, ये कह दिया कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ रुकी हुई अपनी जगह और आप चल रहे हो कितना 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड पे चल रहे हो, तो रेफरेंस पॉइंट अक्सर हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है अर्थ, जिसे हम जिसका मोशन अर्थ का मोशन हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसे हम अर्थ के मोशन को जीरो ले लेते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? जब भी हम कोई स्पीड कोई मोशन या वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, अगर किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं गिविन है तो फिर वो सिंपली अर्थ के रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, और अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं है तो आपको दिया जाएगा कि कितने किसके रेस्पेक्ट में है चल रही है, चाहे आपके हवाई जहाज की स्पीड हो या बाइक की स्पीड हो या कार की या ट्रेन की स्पीड हो, सारी सारी स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में होती है। एरोप्लेन उड़ रहा है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो फिर किसके रेस्पेक्ट में है, वो तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उड़ रहा है, अर्थ को स्टेशनरी मान करके उसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं, समझ आई ये बात। तो मोशन क्या है, मोशन है एक्चुअली चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। यहां मैं मोशन में नहीं हूं लेकिन एक्चुअली मैं भी मोशन में हूं, बस मेरी वेलोसिटी जीरो है, किसी बॉडी का मोशन में ना होना भी मोशन में होना है, लेकिन उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, जीरो, इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनकी वेलोसिटी एक सर्टेन पॉजिटिव वेलोसिटी है, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ तो मेरी वेलोसिटी मेरी स्पीड जीरो है लेकिन मैं भी मोशन में हूँ, खड़े रहना स्टेशनरी, अगर इस वेलोसिटी जीरो है तो उसके लिए हम खड़े रहे हुए के लिए नो मोशन के लिए, नो मोशन के लिए हम यूज करेंगे STATIONARY, STAIONARY, स्टेशनरी, ओ लगा दोगे एक ही जगह तो स्टेशनरी बन जाएगा, ये पेन कॉपी किताब स्टेशनरी कहलाते हैं, तो स्टेशनरी जब कोई मोशन नहीं है तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, तो मैं स्टेशनरी हूँ विद रेस्पेक्ट टू बोल, लेकिन ये स्टेशनरी होना भी अपने आप में
मोशन है जिसमें कि स्पीड, या वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। स्टेशनरी होना भी अपने आप में एक मोशन होना है जहां की स्पीड कितनी है, जीरो है, या स्पीड या वेलोसिटी जीरो है। यहां तक की बात क्लियर हुई? यहां तक की बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। यस सर।